मुझे लग रहा था कुछ लेन देन करके गाड़ी कैसे तो निकल लेता, क्योंकि 25,000 का फाइन बहुत बड़ा होता। जितने भी पेपर थे सब व्हाट्सएप किया उनको, और उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसे है। मैं जैसे संपर्क किया उनका तुरंत मेरे को कॉल आया। जैसे ही उन्होंने पहली आवाज वहाँ के कर्मचारियों ने सुनी, मेरे गाड़ी के पेपर्स, मेरे गाड़ी की चाबी, बेल्टी पूरा ड्राइवर को वापस कर दी और वो सब लेके मेरी गाड़ी वहाँ पे छोड़ दी। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आरटीओ चेक पोस्ट पर रोकी गाड़ी, फिर ड्राइवर ने लगाया मालिक को फोन, हाथों हाथ छोड़ी गाड़ी। दोस्तों, एक वीडियो सामने आई है। जी हां, इस वीडियो में आपको एक गाड़ी मालिक की फरियाद और दहाड़ भी सुनाई देगी। दोनों चीजें आपको दिखाई और सुनाई देंगी। एक कॉल रिकॉर्डिंग भी हम आपको सुनवाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से गाड़ी मालिक कर्मियों से नियम और कानून की बात कर रहा है। दरअसल ये घटना आंध्र प्रदेश बॉर्डर की है। गाड़ी मालिक जिनकी एक गाड़ी बल्लारपुर से चेन्नई गई थी, इन्होंने टेम्परेरी परमिट करवाया हुआ था। बल्लारपुर से चेन्नई जाते वक्त आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर इनकी गाड़ी को रुकवाया गया। ड्राइवर से काफी किचकिच हुई, उस समय भी आरटीओ कर्मियों से बात कर किसी तरह गाड़ी को छोड़ दिया गया। लेकिन चेन्नई से वापस आते हुए इसी बॉर्डर पर फिर से गाड़ी को रुकवाया गया। रुकवा कर ये कहा गया कि जो ये आपका टीपी है ये मान्य नहीं है हमारे स्टेट में। फिर उसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी मालिक को फोन लगा दिया, जिसके बाद वहाँ पर क्या क्या बातचीत हुई जरा वो सुनिए। हेलो, बोले आपकी जो गाड़ी का जो परमिट है, आप महाराष्ट्र में पेमेंट किया था ना, टेम्पररी परमिट है एक महीने का। देखिए, आंध्र का टैक्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं कलेक्ट करती। आंध्र का आंध्र, तेलंगाना का तेलंगाना, जो स्टेट का है उसी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। वो आप जो बता रहे हैं वो गलत है सर जी। आपको बताओ के सीधी बात, रूल तो सभी अपने सेम ही होंगे। टैक्स का भी गाड़ी कितने दिन से चला रहे? गाड़ी पहली ट्रिप है वहाँ पे, हमेशा लोकल चलती, आज गाड़ी पहली। सुनो, ये तो आप अपना स्टेट यानी महाराष्ट्र स्टेट वाला उसने दे दिया। हाँ, उसने दिया तो हैदराबाद में वही चलता है ना। चेन्नई में भी चला ना, चेन्नई में तो कोई नहीं रोका, वहाँ पे बॉर्डर पे तमिलनाडु में कोई नहीं रोका, चलता बोले। यहाँ पे जो ये जो बॉर्डर है जिससे मैं बात कर रहा हूँ जी, जाते वक्त वही बातें हुई थी, गाड़ी रुकी थी वहीं पे भी चालान की बातें हुई। उन्होंने एक प्रिंट भी निकाल के मुझे भेजा, चालान भरो करके। ठीक है, आप जो बातें कर रहे हैं ना वो सभी मेरे समझ में आ रही है। वो ये बातें से लेके उसका पूरा स्टडी किया हूँ मैं अच्छे से। ये जो आप बोल रहे हैं ना उसका पूरा स्टडी किया हूँ। ये पहले जब कैंसिल हुआ तब मैं कहीं पे भी जाता ना, टीपी निकाल के जाता। और आप जो बता रहे हैं ना ये बातें, ये सही है। आप बोल रहे सही है, मेरे को नहीं लगता ये बातें सही है करके। आपको लग रहा है, आप बोल रहे हैं, मुझे बता रहे सही है, तो ये जो भी है क्लियरिफिकेशन मैं एक घंटे में आपको पूरा दे दूंगा। और मेरे को अगर आने की जरूरत पड़े ना, यहाँ से 400 किलोमीटर है वो डिस्टेंस, मैं वहां तक भी आऊंगा क्लियरिफिकेशन देने के लिए। मैं क्लियरिफिकेशन देने के लिए वहां तक भी आने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं नहा धो के उधर ही आने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात मुझे हटक रही है। इसीलिए आप ड्राइवर, आप मालिक हो, आपको बहुत जरूर पड़ेगी, इसीलिए आप खुल्लम खुल्ला मालूम करें। भैया एक बात बताऊं क्या? बोलो। ऑल इंडिया में चलता हमारा यूनियन। हाँ। उनसे भी मैं बात किया, जाते वक्त ऐसी घिसघिस हुई तो उसी दोनों क्लियर होगा। उसके बाद में मैंने ट्रांसपोर्ट टीवी जो हमारा सबसे ऑल इंडिया में चलता है चैनल, उससे भी बात किया। चंद्रपुर का हमारा जो महाराष्ट्र का आरटीओ, उससे भी बोला कि तुम बाद में चेन्नई आंध्र लिख के दे रहे हो और साइन मार रहे हो टीपी पे, क्या मतलब है, देना ही नहीं। अगर वहाँ की टीपी अलग लगती है, यहाँ की अलग है, तो क्यों दे रहे हो तुम, एक क्यों अलाउड कर रहा है? इसीलिए आप तो उनको ये भी बोला, तो आरटीओ मेरे को सीधा बोले, मालूम है क्या, ये जो है बोले टीपी ये पूरा चलता, बोले जो रूट है वो रूट से तुम्हारी गाड़ी जा रही बोले। अभी तो मैं सोच रहा हूँ ये अपना आंध्र प्रदेश के अभी वो सर कोई फोन लगा रहा हूँ, लूटा नहीं रहे, आज हॉलीडे है कि क्या है पता नहीं। मैं इसीलिए क्या है, मैं आप अपने जानकारी ले लो, मैं अपने ऑफिसर से मैं भी थोड़ा बात कर लूं। ऑफिसर से बात करो सर। अब इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनकर काफी हद तक आप समझ गए होंगे कि हुआ क्या है। दरअसल गाड़ी रुकवा ली गई, मालिक कह रहा है कि जो मेरा टीपी है वो वैध है, मैंने महाराष्ट्र से करवाया था और इसमें रूट भी लिखा है, जिसमें लिखा है कि बल्लारपुर से चेन्नई टीएस स्टेट वाया हैदराबाद
और हेल्लोर जाएगी गाड़ी, और उसी रूट को उन्होंने इख्तियार किया। लेकिन आंध्रा के बॉर्डर पर इनके साथ कोई और ही कहानी हो गई, जिसको लेकर काफी दाव पे चले नियम कानून की बात हुई। अब इन कानून को लेकर गाड़ी मालिक ने ये तो कह दिया है कि भैया मेरे को पूरी तरह से कानून नहीं मालूम, लेकिन मेरे पास ये टीपी है जिसमें रूट लिखे हैं। और कर्मी भी दूसरी तरफ यही कह रहा है कि मैं भी पता कर लेता हूँ। अब वहाँ काफी देर जद्दोजहद चली, कोई हल नहीं निकला। गाड़ी मालिक ने इधर उधर हाथ पैर मारे, आखिरकार उन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी से संपर्क किया। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट टीवी को संपर्क करने के बाद ये बात बताई गई। गाड़ी मालिक ने जब ट्रांसपोर्ट टीवी को फोन किया तो ट्रांसपोर्ट टीवी ने उन्हीं कर्मियों से बात की। गाड़ी मालिक ने यह भी बताया कि पहले तो ये अपने आप को आरटीओ बता रहे थे, फिर अपने आप को कर्मी बताने लगे, आनाकानी करने लगे। जब ट्रांसपोर्ट टीवी ने फोन किया तो पहले तो सुन ही नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि ट्रांसपोर्ट टीवी वाले लाइन पर हैं, उसके बाद इन्होंने बताया कि गाड़ी उन्होंने हाथों हाथ छोड़ दी। मेरा गाड़ी का बल्लरशाह से चेन्नई के लिए लोड मिला था और मेरे पास नेशनल परमिट नहीं था, उसी आधार पर मैंने चेन्नई का टीपी निकाला। तो उसी में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तीनों भी स्टेट का मेंशन किया हुआ था। उसके बाद में जाते वक्त कोई थोड़ी बहुत कठिनाई आई, फिर भी गाड़ी चेन्नई तक चली गई। वहाँ पे माल अनलोड करके फिर से रिटर्न के लिए हैदराबाद के लिए लोड वहाँ से लिया, और वहाँ से उस जिस रूट से हमको टीपी मिली थी उसी रूट से हैदराबाद के लिए हम रवाना हुए। उसके बाद में जब आंध्र प्रदेश का बॉर्डर आया तब वहाँ पे हमारी गाड़ी वहाँ के आरटीओ के जो एजेंट रहे थे, कर्मचारी रहे थे, उनके थ्रू वहाँ पे मेरी गाड़ी रुकाई गई और मुझे 25,000 का चालान लगता करके वो बातें कर रहे थे। हमने पूछा कि ये चालान क्यों, इसलिए तो उनका कहना था कि ये जो टीपी है ये वैलिड नहीं है। मैंने कहा कि ये टीपी अगर वैलिड नहीं है तो ये टीपी चंद्रपुर आरटीओ से कैसी मिली, इनवैलिड टीपी तो नहीं देंगे वो। फिर भी वो मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे और उनका कुछ लेन देन का मैटर चालू था। मेरे को ड्राइवर ने, कंडक्टर ने बताया कुछ लेन देन का मैटर कर रहे करके। फिर मैं उनको बोला कि आप ऐसे कैसे कर रहे कि ये टीपी वैलिड नहीं है। उनका कहना था कि अगर महाराष्ट्र में तुम टीपी निकालते हो तो उसका आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को कोई उसमें टैक्स नहीं मिलता, तो तुमको आंध्र प्रदेश का टीपी अलग से निकालना पड़ेगा, तुमको हैदराबाद का टीपी अलग से निकालना पड़ेगा और चेन्नई का टीपी अलग से निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास थोड़ा समझ में आ गई, लेकिन रूल्स क्या है वो मुझे बराबर पता नहीं, इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था। मुझे लग रहा था कि कुछ लेन देन करके गाड़ी कैसे तो निकाल लेता, क्योंकि 25,000 का फाइन बहुत बड़ा होता, हम छोटे गाड़ी वालों के लिए वो फाइन बहुत बड़ा है, इसलिए मैं बहुत दुविधा में गिर गया वहाँ पे। तो उसके बाद में मैंने ट्रांसपोर्ट टीवी से संपर्क किया और उनको सारी कहानी बताई। मेरे गाड़ी के जो जितने भी पेपर थे वो उनको जो ज़रूरी थे वो सब व्हाट्सएप किया उनको, और उनको मैंने बताया कि ऐसा ऐसे है, वो चालान करने की बात कर रहे हैं और मेरे को वो बोल रहे कि फाइन 25,000 तुमको देना पड़ेगा। तो उन्होंने बाद में, मैं जैसे संपर्क किया उनका तुरंत मेरे को कॉल आया और उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे कर्मचारी है उनसे मुझे बात करनी है। तो मैंने ड्राइवर को कॉन्फ्रेंस में लिया और वो मोबाइल लेके ड्राइवर वहाँ पे गए। जैसे ट्रांसपोर्ट टीवी से बात कर रहे करके जैसे ही उन्होंने पहली आवाज़ वहाँ के कर्मचारियों ने सुनी, वैसे उन्होंने फ़ोन ड्राइवर को रिटर्न दे दिया और वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे। पहले तो कर्मचारी बोल रहे थे कि हम ही आरटीओ है, उसके बाद में वो बोल रहे कि हमारे इंचार्ज आएंगे और बात करेंगे। उसके बाद में हमारे कंडक्टर ने बोला कि अभी तक तुम बोल रहे थे कि आरटीओ तुम ही हो, अभी ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो जैसे ट्रांसपोर्ट टीवी वाले का जैसे नाम सुना उन्होंने, तो उन्होंने मेरे गाड़ी के पेपर्स, मेरे गाड़ी की चाबी, बेल्टी पूरा ड्राइवर को वापस कर दी और वो सब लेके मेरी गाड़ी वहाँ पे छोड़ दी। मेरा ये कहना है कि मैं सभी भाइयों से, अपने गाड़ी वाले जो ड्राइवर है सभी से अनुरोध है, अगर ऐसी कोई भी दुविधा आती है और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो आप ट्रांसपोर्ट टीवी से संपर्क कीजिए। आज ट्रांसपोर्ट टीवी के संपर्क करने से वजह से मेरा बहुत बड़ा लॉस बच गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ट्रांसपोर्ट टीवी का, और उन्होंने ऐसा
मेरे को टाइम पे हेल्प किया और आज मेरा गाड़ी का चालान होते होते बैठ गया। ये भ्रष्टाचार जहाँ वहाँ चालू है और ये भ्रष्टाचार के ऐसे माहौल में हम सब ड्राइवर, कंडक्टर और सब गाड़ी ओनर सभी को एक होके, एकजुट होके अपन को ये लड़ाई लड़ना जरूरी है। वही काम ट्रांसपोर्ट टीवी अपने पूरा भारत में कर रही है, सभी को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सब ट्रांसपोर्ट टीवी से जुड़े और अपना कोई भी समस्या रहे आप बेहिचक होके उन्हें बताएं, वो 100% आपको सहायता करेंगी। और मैं ट्रांसपोर्ट टीवी का फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उनकी वजह से मेरा चालान बच गया और सामने भी कुछ कठिनाई आई तो वो हमेशा अवश्य हेल्प करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। सफर पर किसी और तरह की भी समस्या ना हो इसलिए अपने कागजात पूरे रखें और इंश्योरेंस तो साथ में जरूर रखें। इंश्योरेंस करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से 9831 9831 पर संपर्क करें। अब दोस्तों जब गाड़ी छोड़ दी गई तो यहाँ कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि गाड़ी रुकवाई क्यों थी, अगर गलत थी क्या ये टीपी अमान्य था, और अगर अमान्य था तो फिर छोड़ा क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर कि यहाँ पर गाड़ी मालिक सही था या वो कर्मी जिन्होंने गाड़ी रुकवा ली थी। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ट्रांसपोर्ट टीवी का काम पसंद आ रहा है तो आप हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स कैसे देना है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।